Subscribe to Tech Breach and press the bell icon to get notified. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आपके टेक ब्रीच के एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टोकरेंसी है, क्रिप्टोकरेंसी जिसके बारे में हमने अपने पिछली वीडियो में बात करी थी। बिटकॉइन जो है वो एक अननोन ग्रुप और एक अननोन पर्सन सातोशी नाकामोटो ने बनाई है। यही एक अकेली क्रिप्टो करेंसी है जिसने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इतने छोटे से टाइम में ही गेन कर ली है, क्योंकि ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो कि लोगों की नजर में आई थी। तो हम बिटकॉइन की स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो बिटकॉइन की स्टार्टिंग 18 अगस्त 2008 में हुई थी, जिस दिन bitcoin.org के नाम से एक डोमेन रजिस्टर हुआ था। उसके बाद 31 अगस्त 2008 में एक अनाउंसमेंट हुई थी क्रिप्टो करेंसी मेलिंग लिस्ट पे, जिसका पूरा एग्जैक्ट मैं लाइन पढ़ के बता देता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जो कि सतोशी नाकामोटो की तरफ से एक लाइन क्रिप्टो करेंसी मेलिंग लिस्ट पे डाली गई थी। जैन 3, 2009, इस दिन पहला बिटकॉइन जो है वो माइन हुआ था ब्लॉक जीरो से। उसके बाद जैन 8, 2009 में पहला सॉफ्टवेयर बिटकॉइन का रिलीज हुआ, जिसके अगले दिन ही जैन 9 2009 में ब्लॉक 1 के अंदर भी माइनिंग शुरू हो गई। तो चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन जो है वो एक माइनिंग प्रोसेस से काम करता है। माइनिंग प्रोसेस वो होता है जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो उसको अगर माइनर ट्रैक कर लेता है कि किस पर्सन से किस पर्सन को जा रही है वो ट्रांजैक्शन, तो उसको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि बिटकॉइंस में होते हैं। जो कंपनी बिटकॉइन के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करती है उनको माइनर्स कहा जाता है। बिटकॉइन जो है वो जनरेशन जो होती है उसकी वो उनकी ट्रैकिंग से ही होती है, यानी कि उनकी माइनिंग से ही होती है। बिटकॉइन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 21 मिलियन बिटकॉइंस, जिसके आगे बिटकॉइंस नहीं बढ़ सकते हैं। बिटकॉइन जो है वो 8 डेसिमल तक डिवाइड हो सकते हैं, जो कि 100 मिलियंथ ऑफ अ 1 बिटकॉइन हो सकता है, जिसको इक्वल्स टू कहा जाता है सातोशी, जो कि सातोशी नाकामोटो ने अपने हिसाब से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। बिटकॉइन की प्राइसिंग पहले तो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। अगर डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो बिटकॉइन की प्राइसिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो बिटकॉइन की प्राइसिंग घट जाएगी। ऐसे ही दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर बिटकॉइन की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है, यानी कि जो बिटकॉइन की माइनिंग में कॉस्ट आती है, अगर वो बढ़ जाएगी तो बिटकॉइन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर जितने माइनर्स बढ़ते जाएंगे तो उतना ही डिफिकल्ट होगा बिटकॉइन को माइन करना, और उतना ही क्या कहते हैं उसकी प्राइस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन कैसे कमाए जा सकते हैं। बिटकॉइन आप एक तरीका है जिससे कि हम आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई शॉप है या फिर आप कोई भी चीज़ है जिसको आप बेच रहे हो तो उसके बदले आप बिटकॉइन ले सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स हैं जिनमें आप क्या कहते हैं बिटकॉइन कमा सकते हो, जिनमें से एक का नाम है वर्क फॉर बिटकॉइन, कॉइनलिटी, जॉब्स फॉर बिटकॉइन। ये तीन साइट्स हैं जिसमें आप बिटकॉइन को कमा सकते हो कोई ना कोई टास्क करके या फिर उनकी कोई जॉब करके। तीसरा तरीका होता है माइनिंग, जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है, जो कि एक नॉर्मल कंजम्पशन या हाउस होल्ड के लिए मुमकिन नहीं है। तो चलिए बिटकॉइन से जुड़े रिस्क को भी जान लेते हैं। बिटकॉइन से जुड़े रिस्क एक तरह से रेगुलेटरी रिस्क होता है, जैसे कि अगर बिटकॉइन जो है वो एक तरह से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है या फिर एक राइवल भी है गवर्नमेंट की करेंसी के लिए, तो गवर्नमेंट इसको कभी भी बैन कर सकती है, क्योंकि बिटकॉइन से बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी फंडिंग मिल सकती है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी किसी कंट्री की उसको बैन कर सकती है। दूसरा होता है सिक्योरिटी का रिस्क, कि आपके बिटकॉइन जो है वो कभी भी हैक हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से वर्चुअल करेंसी है तो उसको हैक करना बहुत आसान होता है। तीसरा और रिस्क होता है इंश्योरेंस का, आप अगर नॉर्मल कोई भी अलग तरीके की चीज लेते हैं जिससे कि क्या कहते हैं कोई कैश पेमेंट हुई या शेयर्स लिए हैं आपने, तो उनका एक इंश्योरेंस होता है जो कि बिटकॉइन में नहीं है, तो इसलिए अगर कोई रिस्क कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा चौथा होता है फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर आपको बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि नकली बिटकॉइन बेच रही हैं,
अगर आप उनसे वहां से खरीद लेते हैं तो आपके पास पैसे तो चले जाएंगे लेकिन बिटकॉइन कुछ नहीं आएगा। पांचवा होता है मार्केट का। बिटकॉइन की मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, जैसे कि कभी भी ऊपर चले जाती है कभी भी डाउन चले जाती है, तो इसका कोई भी वो नहीं पता चल सकता कि उसका क्या होगा, तो मार्केट जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है इसलिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने बहुत रिसर्च करके ये पता लगाया है कि ज़ैप पे एक ट्रस्टेड ऐप है जिससे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। For more amazing facts about Bitcoin, check out the description below. I hope you guys like this video. If you like this video, give this video a thumbs up and subscribe to our channel TechBreach for more technology videos.